जी तो प्यारी सात संग जीओ अपनी जगह पे विराजें बैठ जाएं। आज जो रूहानी जांबी ने आई सात संगत अपना हाथ खड़ा करके बताएं, जो आज रूहानी जांबी ने आए हैं जरा हाथ खड़ा कीजिए। तो साइडों में ज्यादा सात संगत है या सामने है तो वचनों में गलती ना करना, नारा लगा दें और हाथ नीचे कर लें। और ये रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम, बिगड़े बना देता है काम। सच्ची भावना श्रद्धा से कोई पी के जाप करे तो मिला देता है निज धाम। ये है रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम। जिनकी भावना शुद्ध पवित्र होती है उसके बिगड़े बना देता है काम। ये है रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम। तो रूहानी जाम जब आप पियोगे पूरी श्रद्धा से भावना से, आपने रूहानी जाम पीना है मालिक को याद करके, भावना से जब आप पीते हैं तो उसका रहमो करम उसकी दया में रहमत बरसती है। सो रूहानी जाम शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना है, उस मालिक का शुक्राना करना है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, सारी खलकत को बनाया हमारे लिए, रूहानी जाम दिया है। तो सबने मिलकर एक साथ नारा बोलना है, उस मालिक का शुक्राना करना। हाँ जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी तो कीजिए दोनों तरफ से रूहानी जाम शुरू। चलिए भाई, और देखते हैं पहले बहनें पिलाती हैं या भाई, जैसे रात प्रसाद सेवादारों में था तो बहनों ने नंबर लिया, और आज देखते हैं रूहानी जाम में कौन पहले पिलाता है तो पता चल जाएगा। ठीक, और प्यारी सत्संगियों आज का वो दिन जब सचे मुर्शिदे कामिल शास्त्र नाम शामस्तान दाता रहबर ने इस खाक नाचीज पे रहमो करम किया, परोपकार किया, तो ये महान परोपकार दिवस है। उस रहमो करम का बदला नहीं चुकाया जा सकता। जिसने फर्श को अर्श कर दिया, जिसने खाक को महारानी बनाया, उस रहबर ने, दया के सागर ने इस नाचीज को अपने रहने की जगह बनाया। सो उस मुर्शिदे कामिल उस दाता के महान परोपकारों की गाथा कही नहीं जा सकती, लिख बोल के बताई नहीं जा सकती, बस भावना से, एक ख्यालों से उस परमपिता परमात्मा का कोटन कोट अरबों बार शुक्राना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं, सजदा करते हैं अपने मौला का, अपने रहबर का, जिसने दर्ज गिन के काबिल बनाया। यकीन आना कोई आसान बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। तो उस मुर्शिदे कामिल ने दर्ज गिन दिया, दर्ज गिन करके चलना सिखाया और कण कण में अपना रूप दिखाया। उस मुर्शिदे कामिल को अरबों खरबों बार नमन। जो अपने मुर्शिदे कामिल के लिए सच्ची भावना रखते हैं, दर्ज गिन रखते हैं, वो मालिक कदम कदम पे उन पे दया में रहमत बरसाते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते। सो प्यारी सत्संग जी, और रूहानी जाम पिलाया जा रहा है, आप पीते रहिए, बाकी बातें बाद में चलेंगी। सो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद जो आप चल के आए हैं, और मालिक से यही दुआ है कि मालिक आपके अंदर भी वो तमाम बुराइयों का नाश करे, अवगुणों का वास करे और वो खुशियां दे जिसकी कल्पना भी शायद इंसान ने कभी ना की हो। बस वचनों पे रह के आप अमल करते जाइए, यकीनन वो अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो अब जो प्रोग्राम है, काफी सारे अवार्ड दिए जाने हैं तो शुरू करते हैं। हाँ जी, चलो भाई करो शुरू। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, 23 सितंबर सन 1990 का दिन डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इस पावन दिवस को परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज ने अपने आप को युवा स्वरूप में पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के रूप में दुनिया के सामने प्रकट किया। तो इस पावन महापरोपकार दिवस की सभी ने एक नारे के रूप में सतगुरु प्यारे पूज्य हजूर पिताजी को
बधाई देनी है। धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, 23 सितंबर 1990 का दिन रविवार को परम पूजनीय शहनशाहों के शहनशाह शास्त्रनाम जी महाराज ने देश भर से साध संगत को स्पेशल बुलाया और सबके सामने पूज्य हजूर पिताजी को गुरु गद्दी पर विराजमान किया और अपना हुक्मनामा फरमाया, जिसे सारी संगत को पढ़कर सुनाया गया, जो इस प्रकार है कि जो भी जीव इनसे यानी पूज्य हजूर पिताजी से प्रेम करेगा वो मानो हमसे यानी परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज से प्रेम करता है, जो जीव इनका हुक्म मानेगा वो मानो हमारा हुक्म मानता है, जो जीव इन पर विश्वास करेगा वो मानो हम पर विश्वास करता है, जो इनसे भेदभाव करेगा वो मानो हमसे भेदभाव करता है। यह रूहानी दौलत किसी बाहरी दिखावे पर बख्शीश नहीं की जाती, इस रूहानी दौलत के लिए वो बर्तन पहले से ही तैयार होता है जिसे सतगुरु अपनी नजर मेहर से पूर्ण करता है और अपनी नजर मेहर से उससे वो काम लेता है जिसके लिए दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते। जैसे किसी फकीर के वचन है, बिच शराबे रंग मुसल्ला जे मुर्शिद फरमावे वाकिफ कार कदीमी हुंदा गलती कदी न खावे। यह सब पहले आपके सामने हुआ, शहनशाह मस्ताना जी ने जो खेल खेला उस वक्त किसी के भी समझ नहीं आया, जो बख्शीश शहनशाह मस्ताना जी ने अपनी दया मेहर से की उसको दुनिया की कोई भी ताकत हिला डुला न सकी। जो जीव सतगुरु के वचन पर भरोसा करेगा वो सुख पाएगा, मन आपको मित्र बनकर धोखा देगा, इसलिए जो प्रेमी सतगुरु का वचन सामने रखेगा मन से वो ही बच सकेगा और सतगुरु उसके सदा अंग संग रहेगा। परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज ने साध संगत को फरमाया कि आज से हमने इन्हें यानी पूज्य हजूर पिताजी को अपना रूप बना लिया है और दोनों जहानों की तमाम दौलत इनकी झोली में डाल दी है, इन्हें ऐसा बब्बर शेर बना दिया है कि दुनिया की कोई भी ताकत इनकी तरफ उंगली नहीं उठा सकेगी, ये सभी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। साध संगत की संभाल अब पहले से भी कई गुना ज्यादा होगी और सत्संग व सेवा का काम भी पहले से कई गुना बेहतर व तेजी से होगा। इस बाड़ी में हम खुद काम करेंगे, किसी ने घबराना नहीं और न ही किसी प्रकार का फिक्र करना है, हम हमेशा साध संगत के साथ हैं। ये वचन फरमाए। 15 परम पिताजी ने एक ही समय में दो शरीरों में काम किया, तब कई लोगों ने इसे आजमाकर भी देखा। एक बार किसी ने पूज्य हजूर पिताजी से किसी कार्य के लिए वचन करवाए, जब उसे पूज्य हजूर पिताजी के वचन अपने मन मुताबिक नहीं लगे तो उसने सोचा कि क्यों ना परम पिताजी से अकेले में मिल लूं, हो सकता है कोई और वचन कर दें। लेकिन रूहानी फकीरों के आगे चालाकियां नहीं चल सकती। परम पिताजी ने उस व्यक्ति को बिल्कुल वही वचन फरमाए जो पूज्य हजूर पिताजी ने फरमाए थे, एक एक अक्षर व अंदाज भी हूबहू हजूर पिताजी वाला देखकर वह प्रेमी भाई नतमस्तक हो गया। ऐसा एक दो के साथ नहीं, कई लोगों के साथ हुआ, क्योंकि परम पिताजी के वचन हैं, बदल दी मैं हकीकी नहीं, पैमाना बदलदा रहेंदा, सुराही बदल दी रहेंदी, मैं खाना बदलदा रहना। सतगुरु में कभी बदलाव नहीं आता, बदलाव आता है तो इंसान की सोच में, जो सतगुरु के बेइंतहा किए उपकारों को पल में ही भूल जाता है। आज घोर कलयुग का समय है, चारों ओर बुराई का बोलबाला है, फिर भी साध संगत करोड़ों की तादाद में और दिन दोगुनी रात चौगुनी बहुत तेज रफ्तार के साथ लगातार बढ़ रही है। ये सतगुरु की रहमत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन्य है हमारा सतगुरु जो इस घोर कलयुग में भी अपनी रहमत द्वारा हमें अपने पावन चरणों में लगाए हुए हैं और हमें
मानवता भलाई के रास्ते पर जलाए हुए हैं और खुद ही हमें चलाकर आज हमें सम्मानित भी कर रहे हैं। इस बारे में बताएंगे डॉक्टर दिलावर जी। धन धन सतगुरु, तेरा ही आश्रय। धन धन सतगुरु, तेरा ही आश्रय। जो अवार्ड्स पूज्य पिताजी आज देने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है उपकारी योद्धा, यानी वो शूरवीर जो दीन दुखियों की मदद के लिए पर मारत करते हैं, आर्थिक तौर पर मदद करते हैं। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा परमार्थ में रहने वाले अग्रणी रहने वाले सेवादारों को पूज्य पिताजी सम्मानित करने जा रहे हैं। तीसरे स्थान पे एक बहन है जो किसी कारणवश कल नहीं आ पाई, ये हरियाणा से है, पिंजोर, और ये बहन है बेलवंती। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सातंग जी, उपकारी योद्धा। पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। और पूज्य पिताजी इस बहन को एमएससी सुप्रीम मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं। और उपकारी योद्धा में पूरे विश्व में जिसने पहला स्थान हासिल किया है वो सद्ब्रह्मचारी सेवादार परमिंदर इंसा उर्फ काला भाऊ, उनके पापा ये सम्मान लेने के लिए आ रहे हैं। श्री हरमीत सिंह जी, जोरदार तालियां देंगे स्वागत कीजिए उपकारी योद्धा। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। पूरे विश्व में पहला स्थान, आप तालियों में कंजूसी ना बरते उपकारी योद्धा। तीन दुखियों की मदद के लिए परमारथ में सबसे पहले स्थान पर आए हैं। अब ट्रू पैशन यानी किसी की बुराइयां छुड़वाकर उसे मालिक की भक्ति के साथ जोड़कर गुरुमंत्र दिलवाना, यही सच्चा जुनून है। और इसमें जो पहला स्थान प्राप्त किया है वो है राजस्थान के रावतसर से बहन प्रेमलता। जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो जाए। ट्रू पैशन किसी की बुराइयां छुड़वाकर उसे मालिक की भक्ति के साथ जोड़ा। इनके लिए ट्रू पैशन। और अगली कैटेगरी जज्बाए सजदा, तन की सेवा। भाई इंसानियत की सेवा के जज्बे को सजदा यानी सलाम, जिसके अंदर इंसानियत की सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा है, ऐसे जज्बे को सजदा करते हैं, सलाम करते हैं। और जो पहले स्थान पे भाई आए हैं तन की सेवा में जज्बाए सजदा में, ये भाई जहां भी सत्संग वसवाई महाअभियान और प्राकृतिक आपदाएं आती हैं खुद कनाते लगाते हैं, छायावान लगाने की सेवा करते हैं, बलिया भी लेकर आते हैं और घन जलाने की जी जान से सेवा करते हैं। ये भाई पंजाब के बठिंडा से बिंदर इंसान, जोरदार तालियां हो जाए छायावान समिति के सेवादार। पूज्य पिताजी शानदार एमएससी सुप्रीम मेडल देकर इस भाई को सम्मानित कर रहे हैं। तन की सेवा में पहला स्थान। अब अगली जो कैटेगरी जज्बाए सजदा, तन की सेवा बहने, इंसानियत की सेवा के जज्बे को सजदा यानी सलाम, जिनके अंदर इंसानियत की सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा है, ऐसे जज्बे को सजदा व सलाम करते हैं। ये बहन लंगर घर में सारा दिन रात 20-21 घंटे सेवा करती है, संगत को लंगर छकाती है, तवियों को साफ करती है,
तवियों से राख इकट्ठा करती है, लंगर बनाने के लिए छटिया लेकर आती है। और ये बहन हरियाणा के अंबाला से है, बहन है ओमवती इंसा। इनके जज्बे को सजदा, चौदह तालियां हो जाए इन बहन के लिए। क्या जज्बा है इनका। पूज्य पिताजी शानदार एमएससी मेडल देकर इस बहन के जज्बे को प्रोत्साहित करते हुए। आप तालियां बजाएं। अब योद्धाएं सतगुर बहादुरी के कार्य, यानी सतगुर के वो शूरवीर योद्धा जो अपनी जान पर खेलकर अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाते हैं। और जो भाई पहले स्थान पर आए हैं, इस भाई ने एक व्यक्ति बिजली की तारों में फंसा हुआ था जिसको बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। तभी इस प्रेमी भाई को पता लगा और इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए सतगुर का नारा लगाकर उस व्यक्ति को बिजली की तारों से जिंदा बचा लिया। और ये भाई हरियाणा के गंगवा से अश्विनी इंसान योद्धा है सतगुर। शानदार चमचमाता एमएससी सुप्रीम मेडल इस भाई को दे रहे हैं। अब वीरांगनाएं सतगुर, सतगुर की वो बहादुर बेटियां जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाती हैं। सच और झूठ की लड़ाई में असामाजिक तत्वों से लोहा लेने से भी नहीं कतराती। ये बहन जो पहले स्थान पर आई है, इस बहन ने तीन चार घंटे से कुई में गिरी हुई एक भैंस को किसी ने जब नहीं निकाला और जब बहन को पता लगा तो वह शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग की वर्दी पहनकर आई। उसने दो चार बहनों को फोन किया, वह खुद वहां जाकर सबको पीछे कर खुद मिट्टी हटाने लगे। वह इसको देखकर तीन चार नौजवान लड़के भी साथ में आ गए, वह भैंस को बाहर निकाला। और ये बहन है हरियाणा के महेंद्रगढ़ से बहन बिमला इंसान, वीरांगनाएं सतगुर। चौदह तालियां हो गए इनके लिए। और जो अगली कैटेगरी है 18 साल से कम बच्चों को बहादुरी के कार्य, और जो भाई इसमें पहले स्थान पर आए हैं, उन्होंने 2012 में ब्लॉक नन नगरी स्थित सरकारी स्कूल में कुछ बच्चे पटाखे जला रहे थे जिनमें से एक बच्चे की जेब में पटाखे पड़े थे। अचानक पटाखों में आग लग गई, उसके कपड़े व जांघ दोनों जल गए। इतने में तरुण जो लड़का है, इसकी आयु सिर्फ 13 वर्ष की है, उसने उस लड़के के कपड़ों की आग बुझाई व अध्यापकों की मदद से उसे अस्पताल तक पहुंचाया। और ये दिल्ली के तरुण इंसान जिनकी उम्र मात्र 13 साल है, योद्धा है सतगुर, बहादुरी का कार्य। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। योद्धाए सतगुर ग्रुप, वो बहादुर सेवादार जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपने शरीर तो क्या अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। ऐसे शूरवीर बहादुरों के ग्रुप को पूज्य पिताई सम्मानित करने जा रहे हैं। और जो पहले स्थान पर आया है पूरे विश्व में, उसका ब्यौरा आपको बता दें। काशी उत्तराखंड में आई बाढ़ के कारण एक व्यक्ति अपने पशुओं के साथ पानी में फंस गया। पानी की धार बहुत तेज थी, सेना के जवान भी उस धार को पार नहीं कर सके। तभी शाह सतनाम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग के इन तीन जाबाज सेवादारों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में घुस गए और 16 घंटे तक कड़ी मेहनत के बाद उस व्यक्ति
वह उसके पशुओं की जान बचाए। इस बहादुरी के लिए प्रशासन व आर्मी के सीओ की तरफ से भी इस भाई को सम्मानित किया, इस ग्रुप को सम्मानित किया गया है। और इनका जो राज्य है वो उत्तराखंड, अमरजीत इंसा, दिलीप इंसा, अशोक इंसा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप जोरदार तालियां बजाएं के लिए जो चाहे सबको। अब अगली कैटेगरी सत्य योद्धा, वो सद्ब्रह्मचारी सेवादार जो बड़ी उम्र में सद्ब्रह्मचारी बनकर अपने सद्गुरु के वचनों पर अमल करते हुए व सेवा करते हुए मालिक के चरणों में ओर निभागे, उनके परिवार के सदस्यों को पूज्य पिताजी गोल्ड मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं। सबसे पहले सद्ब्रह्मचारी जो थे वो मोहनलाल जी, इनके लिए आप तालियां जोरदार बजाते रहिए। इनके परिवार से एक भाई ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रहे हैं। दूसरे सद्ब्रह्मचारी जो थे वो बहादुर सिंह जी, इनके परिवार से भी एक भाई ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए पूरा का पूरा। इन्होंने जीवन सद्ब्रह्मचारी बनने के बाद अपने सद्गुरु के वचनों पर अमल करते हुए मालिक की चरणों में ओर निभा गए। और अब अगले जो सद्ब्रह्मचारी थे वो रामेश्वर कुटी, इनके परिवार से एक बहन ये अवार्ड लेने के लिए आई है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बड़ी उम्र में सद्ब्रह्मचारी बने और सद्गुरु के वचनों पर अमल करते हुए वह सेवा करते हुए मालिक के चरणों में ओर निभा गए। अगले जो सद्ब्रह्मचारी थे वो मुख्तार सिंह जी, इनके परिवार से भी एक बहन ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रही है। इनके लिए जोरदार तालियां। और अगले जो सद्ब्रह्मचारी थे सुखविंदर जी, इनके परिवार से भी एक बहन ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। और अगली जो कैटेगरी है सत्य योद्धा, जो सद्ब्रह्मचारी बचपन व जवानी में सद्ब्रह्मचारी बनकर अपने सद्गुरु के वचन मानकर सेवा करके सद्गुरु के चरणों में ओर निभा गए, पूज्य पिताजी उनके परिवारों को सुप्रीम MSG डायमंड। जी प्यारी सत्संग जीओ, पहले तो इस कलयुग में काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मनमाया त्याग के सारी सृष्टि के लिए सत्य ब्रह्मचारी गुरु ब्रह्मचारी बनना अपने आप में बेमिसाल है। त्रिलोकी क्या दोनों जहां में ऐसी जिंदगी नहीं होती, आत्मा के लिए सोचे भी नहीं जा सकता। और फिर वो वैसी लगाई वैसी ओढ़ निभागे चले जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। इनमें कई भाई ऐसे थे जो बड़ी उम्र में आए, बाल बच्चे भी हैं उनके, लेकिन फिर भी उन्होंने वो त्याग के और बाद में यहां रहे। और उनके लिए सत्य भक्त योद्धा जो जवानी से आए बचपन से आए और वो ओर निभा गए, तो उनके लिए सिरमौरे सत्य योद्धा एक नाम दिया गया है कि जो अपने आप में बेमिसाल है कि कोई बचपन से सारा कुछ ही मालिक के लेखे लगा दे, सारे संसार के लेखे लगा दे, अपने सुख सुविधा की परवाह ना करता हुआ आगे बढ़ता चला जाए, तो ऐसे लोगों की कैटेगरी अब आएगी। हाँ बोलिए भाई। जो अगली कैटेगरी है वो सिरमौर ए सत्य योद्धा, जो सद्ब्रह्मचारी बचपन व जवानी में सद्ब्रह्मचारी बनकर अपने सद्गुरु के वचन मानकर सेवा करके सद्गुरु के वचनों के वजह से ओर निभा गए, पूज्य पिताजी उनके परिवारों को सुप्रीम MSG
डायमंड मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले दादू बागड़ी, इनके परिवार से एक भाई ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रहे हैं। सिरमौरे सत्य योद्धा, रामपुरिया हिसार से। तालियां आपके लगातार बजती रहनी चाहिए। अगले जो सत्कर्मचारी भाई थे वो रामचंद्र करंडी से, जो बचपन से ही सत्कर्मचारी यहां पर रहे, उनके परिवार से भी एक भाई ये सम्मान ये नहीं आ पाए। अगले जो सत्कर्मचारी थे वो लक्ष्मण दासी, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इनके परिवार से भी एक भाई ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रहे हैं। और जो अगले सत्कर्मचारी थे वो महेंद्र सिंह पाठी, भाई रूपा से, इनके परिवार से भी एक भाई ये सम्मान हासिल करने आ रहे हैं, एमएससी सुप्रीम डायमंड मेडल। अगले जो सत्कर्मचारी बहन थे वो बहन जितेंद्र श्री गंगानगर, इनके परिवार से एक भाई यहां पर ये सम्मान हासिल करने आ रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। और अगले जो सत्कर्मचारी बहन थे ये सुखविंदर जी, इनके परिवार से एक भाई ये अवार्ड हासिल करने के लिए आ रहे हैं। जोरदार तालियां आप लगातार बजाते रहिए। सिरमौरे सत्य योद्धा, डायमंड मेडल, एमएलजी सुप्रीम डायमंड मेडल। अगले जो सत्कर्मचारी थे वो नरेंद्र जी, इनके परिवार से भी एक भाई ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रहे हैं। नरेंद्र जी जो कि शास्त्र नाम की नगर से, इनके लिए छोटा तालियां हो जाए। एमएससी सुप्रीम डायमंड मेडल, सिरमौरे सत्य योद्धा। और जो अगले सत्कर्मचारी थे वो मक्खन सिंह श्री जलालाना साहेब, उनके परिवार से एक भाई ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रहे हैं। एमएससी सुप्रीम डायमंड मेडल। और जो अगले सत्कर्मचारी भाई थे लाभ सिंह जी, इनके परिवार से भी भाई एक भाई ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सिरमौरे सत्य योद्धा। अगले जो सत्कर्मचारी थे वो श्री मुकुंद सिंह, इनके परिवार से भी एक भाई के सम्मान हासिल करने के लिए आ रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। अगले जो सत्कर्मचारी थे श्री लीला राम जी, इनके परिवार से एक बहन ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। विजय पिताजी शानदार एमबेसी डायमंड मेडल देकर इस बहन को सम्मानित कर रहे हैं।
अगले जो सदब्रह्मचारी थे वो गुरमीत सिंह, इनके परिवार से भी एक बहन ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रहे हैं, जो कि मलोट से थे। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। एमएसी सुप्रीम डायमंड मेडल सिरमौरे सत्ते योद्धा, यानी वो सुप्रह्मचारी जो बचपन में जवानी से अपने मालिक के चरणों में आए और पावन वचनों पे अमल कमाते हुए और निभा गए। और अगले जो सुब्रह्मचारी थे श्री रोशन लाल जी,